हम आपके यहाँ पहली बार आए, हम किसी को जानते तो है नहीं, लेकिन कन्हैया से हमें थोड़ा काम है। आप लोगों में कन्हैया कौन से, वो हमें बता कौन से मिलना चाहते। अब बलराम ने बता दिया वो उधर बैठे कोई कन्हैया है, और जो कन्हैया को पंडित जी ने देखा तो देखते ही रह गए। लेकिन पंडित जी की तरफ देख करके भगवान सवाल करते हैं, हे ब्राह्मण देव कहां से आया। पंडित जी बोले आपने मुझसे पूछा, बोले हाँ हाँ तुमसे ही पूछा। पंडित जी ने जब कन्हैया को खत दिया तो कन्हैया ने खत लिया, पढ़ा, बोले पंडित जी इसमें तो ससुराल का नाम है। हाँ आगे आए, आगे आए तो तुम इधर गाय को आए है? उससे कहते उसी के साथ चली जाए, मैं क्या करूंगा, मर जाएगी, मर जाएगी तो मैं मर जाऊ, मैं नहीं जा पाऊंगा। श्याम बात मानो, अगर आप नहीं जाओगे तो आत्महत्या कर लेगी, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेगी। पंडित जी की बात सुन के तो कन्हैया बोले, पंडित जी तुम भैया से जाके मिलो, वो हमें अकेला नहीं जाने देते कि हम बहुत नटखट रहे ना छोटे पे, आप उनसे पूछो, और जब तुम्हें वो लोग विदा करेंगे तो हम कोई ना कोई उपाय भी ढूंढ लेंगे। अब पंडित जी बलराम से फिर बोले, भैया जिस काम से आए काम हो गया, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम जाएं। पंडित जी से बोले, ब्राह्मण देव आपको कुछ दान चाहिए। बोले हमें दान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमें आज्ञा दो। आज्ञा, अब आज्ञा हम विदा किया। अब पंडित जी द्वार पे पहुंच पाए तब तक कन्हैया ने सारा कर दिया, तो पंडित जी बड़ा तेज हांफने और खांसने लगे। बलराम बोले, के पंडित क्या होगा, तोड़ा आता है या मुर्गी की शिकायत है, हत्या लगवा में क्या। कन्हैया बोले, भैया बुढ़ापा है, अगर आप कहो तो पंडित जी को मतलब थोड़ी दूरे दूरे दूरे, हाँ हाँ जाओ छोड़ जा, लेकर रुकना नहीं, जल्दी आना। अब पंडित जी को रथ में बिठा लिया, चल दिए श्याम। कुंदनपुर में पहुंचे तो गांव से बाहर एक मंदिर पर रथ खड़ा कर लिया, और बोले पंडित ये फौज किन की है। ससपाल की, ससपाल की, मैं अकेला आया हूँ, वो फौज लेके आया है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ। मर जाएगी लड़की, मर जाएगी लड़की, मर जाएगी लड़की, तो लड़की के पीछे में मर जा, मैं नहीं लड़ूंगा। अगर तुम अकेले में मिलाते हो तो लिए तो जाएंगे, लड़ नहीं पाए, अकेले की बात है। हाँ ये मंदिर देख रहे हो, हाँ हाँ इसमें खड़े हो जा, खड़ा हो गया, पूजा करने के बहाने से भेज रहा हूँ, रथ में बैठाना चले जाना। कहो कैसी रही। भगवान बोले बहुत बढ़िया। अब भगवान मंदिर पे, रुकमणी घर पे, पंडित जी घर पे पहुंचे, और जो रुकमणी ने देखा ब्राह्मण को एकदम से दौड़ के गई, पंडित जी क्या श्याम आ गए, कितने हाथी हैं, कितने घोड़ा हैं, कितनी फौज है, कितने लोग लेने आए। पंडित जी बोले, चुपे ना, हाथी घोड़ा अकेला सो सभा मरोसा धरो, अभी तक हमने देखो नहीं है, तो पहली बार देखो, तो
सुटराम करो है। अरे क्या देख लिया कन्हैया में तूने, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। कहने लगे ब्राह्मण देव आप पहचान नहीं पाए। क्या नहीं पहचान पाए तो कन्हैया की बात कहती है रुक्मिणी पंडित जी। समझ गए अकेले खड़े मंदिर पे पूजा करने के बहाने जा चली जा। कहने लगे पंडित जी आपका बड़ा एहसान रहा जो आप कन्हैया को लेके आए, अब आप जा हम जा रहे आप जा। पंडित जी बोले हाँ मतलब निकले, सीधी कह दे आप जा रोटी।